आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बामन गांव के पीड़ितों ने गधे को गुलाब जामुन खिलाकर प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बूंदी जिले के नैनवा में बामन गांव के बांध की पीड़िता ने एसडीएम कार्यालय के बाहर गधे को गुलाब जामुन खिलाकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से न्याय की लगाई गुहार। ग्रामीणों से इस बारे में बात करने पर उन्होंने बताया, पिछले 24 दिनों से हम लोग अपने जमीनी हक की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पर धरना दे रहे हैं, मगर प्रशासन व सरकार को यह दिखाई नहीं दिया। हमारे भूख मरते मरते की नौबत आ रही है और प्रशासन है कि मस्त पड़ा हुआ है। आखिर गरीब अपनी फरियाद लेकर जाए तो कहां जाए। आज हम लोग न गधे को प्रशासन का प्रतीक मानकर गुलाब जामुन खिलाकर अधिकारियों की कार्यशैली को दर्शाते हुए अपना रोष प्रकट किया है। यदि हमें न्याय नहीं मिला तो हम लोग यहीं अपनी जान दे देंगे। इसके लिए हम पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम नैनवा एसडीएम को इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर अपना ज्ञापन दे चुके हैं। जैसा कि विदित है, भोमपुरा बांध जल भराव क्षेत्र में ग्रामीणों के आवास व आजीविका का साधन कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, जिसके बाद कृषि भूमि आवासों को डूब क्षेत्र से बाहर निकलवाने की मांग को लेकर 24 दिन से धरना दे रहे हैं। यहाँ पड़ा है, सरकार मेरी कोई सुनाई नहीं करता है क्या? अब तो आगरी में यही आई मनना है मेरे को, खा जाओ मेरे नजर बेटा, नजर बेटा, मेरा कोई विरोधी देने वाला नहीं है, मैं यहीं मरूंगा, मैं यही जिम कोर्ट के अंदर ही मरूंगा, मेरे कोई जीने का कोई साधन नहीं है मेरे पास। हमारी जमीन खाली कराई जाए, तुम बच जाएंगे ना तो हम यहाँ मरेंगे, हम कुछ भी हो जाओ, हट्टी अगर मट्टी हो जाओ, मैं यहीं मर के रहूंगा। खबरों में अब तक ही बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।